पाकिस्तान ने इंडिया को 103 रन का टारगेट दिया है, बहुत अच्छी बैटिंग करी फखर जमान ने, 53 रन बनाए नॉट आउट 29 बॉल्स पे, नौ लक ने 28 रन बनाए 16 बॉल्स पे, लेकिन सैनी ने उनको आउट कर दिया। इधर जाधव ने 10 रन बाबर आजम ने 10 रन बनाए 5 बॉल्स, और किधर जाधव ने उनको आउट कराए। मोहम्मद हफीज नॉट आउट 9 रन बनाए 10 गेंदों पर। बॉलिंग में चहल ने 1 ओवर कराया और 10 रन दिए और 9 विकेट, सैनी ने 2 ओवर कराए 15 रन दिए और 1 विकेट लिए, शामी ने 1 ओवर कराया 15 रन दिए 9 विकेट, और भुवनेश्वर ने 2 ओवर कराए 23 रन दिए 0 विकेट, और जडेजा ने 2 ओवर कराए 19 रन दिए 9 विकेट, और किधर जाधव ने 2 ओवर 20 रन दिए 1 विकेट, और 2 एक्स्ट्राज गई हैं। फर्स्ट विकेट 54 पे गई थी, सेकंड विकेट 71 पे गई थी। आइए देखते हैं कि इंडिया क्या करता है, क्या इंडिया ये बना सकता है। पहले रोहित शर्मा स्ट्राइक पे जाएंगे और उनके साथ शिखर धवन, पहला ओवर वहाब रियाज कराएंगे। और ये विकेट, फर्स्ट विकेट है वो इंडिया, और इंडिया ने रोहित शर्मा गए पहली बॉल पे, वहाब रियाज ने उनको बोल्ड कर दिया, बहुत अच्छी विकेट गई है। अब विराट कोहली कैप्टन जो बहुत अच्छे हैं, और 91 का बेस्ट है, और 91 नॉट आउट है वो। और ये लेट टाइमिंग थी, क्विक डिलीवरी थी वहाब रियाज की। और ये चौका गई पहली फर्स्ट बाउंड्री कैप्टन के हाथों, और ये जबरदस्त चौका गया। विराट कोहली ने दूसरी बॉल पे जबरदस्त चौका मारा है, और ये फील्डिंग चेंज करी है। और ये बहुत अच्छी गेंद थी, और ये एक LBW के पील, बट अंपायर ने नॉट आउट का है। अब देखते हैं पाकिस्तान रिव्यू लेता है, पाकिस्तान के पास 2 रिव्यू हैं, लेकिन पाकिस्तान को लेना चाहिए रिव्यू, पाकिस्तान ने रिव्यू नहीं लिया है। और एक चौका गया, ये बैक फुट की तरफ खेला था विराट कोहली ने, और उन्होंने अपने दूसरी बाउंड्री मार दी है, एंड फर्स्ट ओवर में 8 रन आए और 1 ही विकेट गई है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉल कराई है, लेकिन फिर भी अब आप वापसी ऐड कर लो उठाएं। बहुत अच्छे बॉलर मोहम्मद आमिर आ चुके हैं, ये बहुत अच्छे बॉलर हैं, जिन्होंने फाइनल में इंडिया को आउट करा था। ये एक सिंगल, शिखर धवन ने विराट कोहली को सिंगल लेके दिया है, देखते हैं विराट कोहली क्या करते हैं। गया विराट कोहली ने चौका मार दिया है, मुझे लगता है विराट कोहली मैन ऑफ द मैच जाएंगे वो, और यही वो मैच जिताएंगे। और गया एक जबरदस्त चौका, गेंद पुश करा है पीछे की तरफ, स्वीप शॉट और बहुत अच्छी बाउंड्री। अगर इंडिया ऐसे ही खेलता गया तो इंडिया भी जीत सकता है, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग भी अच्छी बुरी नहीं।
रिकॉर्ड चौका गैप में से निकाला है विराट कोहली ने। और ये बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, बहुत अच्छे कैप्टन है विराट कोहली। लेकिन पाकिस्तान में सही फकर जमान ने 50 मारी, वो भी बहुत अच्छा खेल के गए हैं। और इस बार लीव कर दिया है विराट कोहली ने, उनको बॉल दिखी नहीं शायद। सिक्स फॉर इंडिया और कम्स इन विराट कोहली, बहुत अच्छा छक्का मारा है बैक फुट की तरफ और पूरे ग्राउंड से बाहर निकाल दिया। और वापसी वहां रियाज आ गए, अब ऑटो प्ले करते हैं 5 ओवर्स। मोहम्मद हफीज ओवर डालेंगे, 18 गेंदों पे 30 रन चाहिए इंडिया को जीतने के लिए। अय्यर करें कमाल के बैट्समैन है, इन्होंने इंडिया को पहले मैच की सीरीज में जिताया था। और ये एक सिंगल, अभी भी इंडिया हार सकती है और पाकिस्तान जीत सकता है, और अभी पाकिस्तान हार सकता है इंडिया जीत सकता है, कुछ नहीं पता मैच का। शार्प पैंट, उन्होंने भी एडवांस में स्ट्रेट मारा है एक सिंगल। वापसी 16 गेंदों पे 28 रन चाहिए। और एक गोंद, अय्यर ने चौका मार दिया है पीछे की तरफ, बहुत अच्छा शॉट मारा है अय्यर ने। और इसी के साथ एक चौका है इंडिया का। अब 15 गेंदों में 24 रन चाहिए इंडिया को जीतने के लिए। और एक और बार वही शॉट और एक और चौका है अय्यर का, बहुत ही कमाल की बैटिंग कर रहे हैं अय्यर। 15 गेंदों में 25 रन बनाए, जितने बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। और वो फर्स्ट मैच में मैन ऑफ द मैच थे। अभी पाकिस्तान हार के नजदीक है और इंडिया जीत के। और इस बार एक स्टंप की उम्मीद, अंपायर ने आउट करार दे दिया है, बहुत बड़ी विकेट गई इंडिया की है। मोहम्मद हफीज ने लिए अय्यर गए 25 रन जिन्होंने बनाए थे 16 गेंदों पे। आपकी इधर जगह आएंगे, ये भी बहुत अच्छे हैं बैट्समैन है। और अब 13 गेंदों पे 20 रन। इस बार फ्रंट फुट की तरफ खेला, 2 रन 2 रन। और हाँ, ये 2 रन ले लिए किधर जाधव ने। अब 18 रन चाहिए 12 गेंदों पे। और अब मैच सारा इंडिया के हाथ में है। लास्ट ओवर सेकेंड लास्ट ओवर इमाद वसीम कराएंगे। इस बार एक सिंगल, हाँ इस बार एक सिंगल है, ऋषभ पंत सिंगल लेके गया और 6 गेंदों पर 6 रन बनाए। 10 गेंदों पे इंडिया को 17 रन चाहिए। और इस बार एक रन आउट बट आई थिंक इज नॉट आउट, और अंपायर ने इसको नॉट आउट दिया है। 9 गेंदों पे 16 रन इंडिया को चाहिए।
इस बार बहुत लेट टाइमिंग ऋषभ पंत की, 8 गेंदों पे 16 रन चाहिए। और इस बार एक सिंगल, और हाँ इस बार डायरेक्टेड बट नॉट आउट। अब इंडिया को 7 गेंदों पे 15 रन चाहिए जीतने के लिए। और ये चौका, इधर जाधव ने चौका मारा है जिससे इंडिया को अब जीत लेने के लिए 6 गेंदों पे 11 रन चाहिए। अब आप लास्ट ओवर का हेड देख लीजिए क्योंकि इसके बाद आपको हेड देखने का नहीं मिलेगा। अभी इजी लास्ट ओवर करा रहे हैं। ओह चौका, अब 5 गेंदों पे इंडिया को 7 रन चाहिए। और इस बार एक इंडिया को जीतने के लिए 5 रन चाहिए 4 गेंदों में। अब इंडिया को जीतने के लिए 3 गेंदों पे 4 रन चाहिए। अब पाकिस्तान में फंस गया है और इंडिया जीत सकता है ये वाला मैच। और इस बार एक सिंगल, 1-2 पे 3 रन चाहिए इंडिया को। लास्ट बॉल, और इस बार लीव कर दी ऋषभ पंत ने, उनको बॉल नहीं दी थी। लास्ट बॉल पे 3 रन चाहिए, 3 रन चाहिए लास्ट बॉल पे। और इस बार 3 रन चाहिए, 3 रन इस बार डबल। और ये बहुत ही अच्छा मैच जीता है इंडिया ने। ये नहीं, ये मैच टाई हो गया है, और ये मैच टाई हो गया है, मैच ड्रॉ। और ये मैन ऑफ द मैच फकर जमान है, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी। और अब हमारा अगला मैच पाकिस्तान और इंडिया के थर्ड होगा। अब ये अगर पाकिस्तान जीतता है तो सीरीज ड्रॉ हो जाएगी, तो उसके बाद सीरीज का ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड का होगा। आप हमारी सब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और 5 बिलियन सब्सक्राइब तक पहुंचा दें। अल्लाह हाफिज़।